नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप सब लोगों का स्वागत है और आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। हम सबकी जिंदगी एक बहुत ही चैलेंजिंग दौर से गुजर रही है। एक तरफ तो कोरोना वायरस ने हम सबकी जिंदगी और रोजगार को खतरे में ला दिया है, और वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। हाल में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर सफूरा जरगर को बेल दे दिया, लेकिन अभी भी बहुत पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स, लेखक और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं जो जेल में हैं। खास तौर से हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको पिछले कुछ महीनों में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जेल में डाला गया है। अपने प्रेजेंट फॉर्म में यह कानून सरकार को हक देती है, अगर वो चाहे तो किसी भी नागरिक को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है। हिंदुस्तान के इस पर्टिकुलर एंटी टेररिस्ट लॉ के से सरकार के पास स्वीपिंग पावर्स आ जाते हैं। पुलिस के पास ये राइट है कि किसी को भी अरेस्ट कर सकती है कभी भी, और चार्जेस नहीं लगाने के बावजूद उनको डिटेन करके रख सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यूएपीए अपने अमेंडेड फॉर्म में बहुत ड्रेकोनियन लॉ है और इसका भरपूर मिसयूज हो रहा है। और तो और, इस कानून के बारे में सवाल उठाने का या चर्चा करने का स्पेस जो है बिल्कुल श्रिंक हो गया है। आज देश के एंटी टेररिज्म लॉज में हमारे नागरिकों का सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेटिक राइट्स को कर्टेल किया जा रहा है। क्या ये ठीक है? क्या काउंटर टेररिज्म मेजर्स के बारे में क्रिटिकल सवाल उठाना अनजस्टिफाइड है? पिछले साल बीजेपी ने एक बार फिर से चुनाव जीतकर सत्ता में दोबारा आ गई थी। उस समय ये लगा था कि इतने मैसिव मैंडेट पाने के बाद सरकार अपने एजेंडा में बहुत कॉन्फिडेंट होगी। जिन इश्यूज की सबसे ज्यादा राष्ट्र को जरूरत थी, वो जनता की दैनिक जरूरतों के चीजों पर या फिर इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने की, उन पर सरकार फोकस करेगी। लेकिन सरकार सत्ता में आने के बाद इकोनॉमिक इश्यूज को प्रायोरिटाइज नहीं करकर जुलाई 2019 में यूएपीए, जो 50 साल से ज्यादा पुराना एक कानून था, उसको अमेंड करने के लिए संसद के सामने एक बिल लेके आई और उसको जल्दी ही पास करा के उसको कानून बनवा लिया। इससे दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। पहली कि ये सरकार जो है अपनी मस्कुलर नेशनलिज्म की जो नैरेटिव है उसको अबैंडन या आउट ऑफ फोकस नहीं होने देना चाहती है। दूसरी बात जो क्लियर हुई कि ये 50 साल पुराना यूएपीए, इसने ये सिद्ध कर दिया कि बीजेपी की सरकार कोई पहली सरकार नहीं है जिसने नागरिकों के खिलाफ ड्रेकोनियन लॉज इंट्रोड्यूस किए हों। 30th of December 1967 में इंदिरा गांधी की सरकार ने यूएपीए को पास किया था। सरकार के इस फैसले का कि इस कानून को इनैक्ट किया जाए, इसके पीछे दो मूल कारण थे। पहला कारण तो था चाइना के साथ हुए 1962 में युद्ध। इस युद्ध के बाद जो हमारा संविधान है उसको अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था। इस संशोधन द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 2, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटी करता है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज इंसर्ट किया गया था। अमेंडमेंट के बाद सरकार को आर्टिकल 19 से सिटीजन्स के गारंटीड राइट को रिस्ट्रिक्ट करने के पावर दिया गया था। कारण क्या था? In the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of
स्टेट। यूएपीए लाने का दूसरा कारण था डीएमके का 1967 का चुनावी मैनिफेस्टो, जो तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शंस में उन्होंने जारी किया था। इसमें उन्होंने वादा किया था कि भारत से तमिलनाडु सिसीड या फिर अलग हो जाएगी। असेंबली इलेक्शंस डीएमके जीत गई और उसके बाद से कांग्रेस तमिलनाडु में फिर कभी सत्ता में नहीं आई। कुछ वर्ष बाद डीएमके ने अपनी सेपरेटिस्ट राजनीति को अबैंडन कर दिया, फिर भी सरकार ने यूएपीए को रिपील नहीं किया। जनता पार्टी सरकार ने एक और ड्रेकोनियन कानून को, जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको लोग पॉपुलरली मीसा कहते हैं, उसको तो रद्द कर दिया। जब 77 से लेके 1980 के बीच में जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने यूएपीए को टच नहीं किया, उसको रिवोक नहीं किया। 2019 के अमेंडमेंट के पहले यूपीए की सरकार ने यूपीए में 3 बार अमेंडमेंट किए थे, 2004, 2008 और 2012 में। हर बार कुछ नए प्रोविजंस लाए गए और स्टेट को ज्यादा पावर दिए गए। नागरिकों का कॉरेस्पॉन्डिंगली सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेटिक राइट्स इनक्रोच हुए। उनको अरेस्ट करने के नए कारण इंट्रोड्यूस किए गए और बेल मिलना पहले से मुश्किल होता गया। तो क्या इंदिरा गांधी फाउंटेन हेड थी हमारे देश में डेमोक्रेटिक राइट्स और सिविल लिबर्टीज को कुचलने का? क्या नागरिकों के बेसिक राइट्स और डिग्निटी पर आक्रमण करने वाली वे पहली नेता थी? अगर हम ऑथोरिटेरियन लॉज की बात करें तो क्या हमको कॉलोनियल पीरियड में नहीं जाना चाहिए? जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में विजय होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना बोलबाला जमा लिया। 1784 और 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट्स में स्पेसिफिक प्रिवेंटिव अरेस्ट करने के स्पेसिफिक प्रोविजंस थे। ब्रिटिश पीरियड में पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ मूलतः वाज डायरेक्टेड सोलली फॉर द पर्पस ऑफ डिटेनिंग एनीबॉडी हु वाज रिगार्डेड एज अ थ्रेट टू ब्रिटिश सेटलमेंट इन इंडिया। 1818 में पहली बार डिटेंशन विदाउट ट्रायल को स्टैट्यूटरी सैंक्शन बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन के तहत दिया गया था। बंगाल के बाहर जो ब्रिटिश कंट्रोल्ड प्रेसिडेंसीज थे, उनमें भी गवर्नर जनरल्स और स्टेट्स के गवर्नर्स को पावर्स थे प्रिवेंटिव अरेस्ट को सैंक्शन करने का। ब्रिटिश टिरेनी का ट्रू फेस दिखने लगा धीरे धीरे। बंगाल रेगुलेशन तो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस था। जिन फंडामेंटल लिबर्टीज को ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लेज किया था, उनको वो रेगुलरली वायलेट करते रहे। 1818 का रेगुलेशन बिकेम द मोस्ट इफेक्टिव टूल इन ब्रिटिश हैंड्स अगेंस्ट पॉलिटिकल ऑपोजिशन। ये 1927 या 1927 तक एग्जिस्ट करता रहा और इसको तब हटाया गया जब एक और रिप्रेसिव कानून उसके जगह लेने के लिए तैयार हो गया था। मॉडर्न क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस में इंडियन पीनल कोड या आईपीसी का कांस्टेंट रेफरेंस होता है। 1860 में इसको इनैक्ट किया गया था। 1898 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या फिर सीआरपीसी हमारे लॉ बुक्स में आ गया। 1857 के बाद इंडिया ऑफिशियली ब्रिटिश कॉलोनी बन चुकी थी और कानून ब्रिटिश सरकार के इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए ही होते थे। 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के पहले डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया। ये एक इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ था और राष्ट्रवादी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था।
युद्ध खत्म होने के बाद इसको परमानेंट कानून बनाने की कोशिश की गई और 1918 में रॉलेट बिल इंट्रोड्यूस किया गया। इसका नाम ऑफिशियली एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स बिल ऑफ 1919 था। ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस कानून को 10 मार्च 1919 को पास किया था। किसी को भी केवल संदेह या शक के बेसिस पर गिरफ्तार किया जा सकता था। किसी पर भी चार्ज लगाया जा सकता था कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं। दो साल तक किसी को भी गिरफ्तार करके रखा जा सकता था। गांधी जी के लीडरशिप में रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ और बाद में ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बन गया। इसके जोर के चलते जनता की तरफ से, प्रेशर की तरफ से ब्रिटिश सरकार को ये प्रपोजल ड्रॉप करना पड़ा और ये ब्लैक लॉ नहीं हमारे लॉ बुक्स में एंटर किया। 1930 में डांडी मार्च के बाद और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते ब्रिटिश सरकार ने कई ऑर्डिनेंसेस पास किए। इनसे पुलिस को और ज्यादा रिप्रेसिव पावर मिल गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में कई सारी प्रिवेंटिव डिटेंशंस के प्रोविजंस थे। उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस कई सारे प्रोविंसेस में सत्ता में आ गई और शुरू में तो कांग्रेस की सरकारों ने इन प्रिवेंटिव मेजर्स को इंप्लीमेंट करने का के लिए रिफ्यूज कर दिया, लेकिन उसके बाद इनका इस्तेमाल करने लगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1939 और ऑर्डिनेंस नंबर 14 ऑफ 1943 पास किए गए। इनमें और ज्यादा स्पेशल पावर्स पुलिस या फिर बाकी और स्टेट मशीनरी को दिए गए। जैसे कि ब्रिटिश ने स्पेशल कोर्ट्स भी शुरू किए इस पीरियड में इन खास किस्म के केसेस को ट्राई करने में। जो जजमेंट होता था इन कोर्ट्स में उनके खिलाफ अपील का राइट नहीं था। आजादी के बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन दिया गया आर्टिकल 22 के तहत। 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट टेम्पररी मेजर के तौर पर पास किया गया संसद द्वारा, क्योंकि पार्टीशन के समय जो कम्युनल रायट्स हो रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए। हालांकि वो टेम्पररी मेजर था, हर साल रिव्यू होना था, फिर भी 1969 तक ये कंटिन्यू करता रहा ये कानून। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसको हम लोग आफ्सपा के तौर पर पॉपुलरली बोलते हैं, 1958 में संसद द्वारा पास कराया गया नागालैंड में मिलिटेंसी को कंट्रोल या चेक करने के लिए। धीरे धीरे ये कानून जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स पर लागू हो गया। बाद में 1977 से लेके 1983 तक पंजाब में भी ये लागू रहा और 1990 के बाद में जम्मू कश्मीर में। मीसा के बारे में मैंने आपको पहले जिक्र किया था, 1971 में ये इनैक्ट हुआ था और 1977 में रिपील हुआ। उसके बाद 1980 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया और ये कानून अभी तक जारी है। पंजाब मिलिटेंसी के चलते टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1985 इंट्रोड्यूस हुआ और फिर पास हो गया। जब 1995 में बहुत लगातार डिमांड होने के बाद इसको रिपील किया गया, तब तक टाडा के मिसयूज के केसेस अनगिनत हो चुके थे। टाडा के अंडर जो कन्विक्शन रेट था वो सिर्फ 1% था। उसका मतलब कि इस कानून के तहत 99% जो अरेस्ट हुए थे वो अनलॉफुली अरेस्ट हुए थे, उनका कोई गिल्ट नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट या फिर पोटा को इंट्रोड्यूस किया। इसको लेके बहुत पॉलिटिकल ऑपोजिशन हुआ और फाइनली जाके एक
ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में ये कानून को पास कराया गया। इस कानून में टाडा के जो रिपील्ड टाडा के बहुत सारे प्रोविजंस को इस कानून के अंदर डाल के रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया। यूपीए सरकार 2004 में सत्ता में आने के बाद तुरंत पोटा को तो रिपील कर दिया, लेकिन जो यूएपीए था उसको अमेंड करके जो पोटा के कई सारे प्रोविजंस थे और इस तरह से टाटा के भी जो प्रोविजंस थे इसको यूएपीए में इंक्लूड कर दिया। बाद में जैसे मैंने आपको कहा था कि 2008 और 2012 में इनमें फिर से संशोधन किया। तो बात यह है कि लगभग 250 साल से चल रही प्रिवेंटिव डिटेंशन की ये प्रथा हर कदम पर स्टेट को एम्पावर करती आई है, वहीं नागरिकों के सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेटिक राइट्स का वायलेशन बढ़ता गया है। हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क में माइनॉरिटीज और डिसिडेंट्स जो सरकार से कुछ अलग सोचते हैं उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एंटीपैथी है। आंकड़ों के मुताबिक हमारे जेल्स में 53% इनमेट्स मुसलमान, दलित या आदिवासी हैं, जबकि हमारे टोटल पॉपुलेशन में वो सिर्फ 39% के करीब अकाउंट करते हैं। तो हम आते हैं एक बहुत अहम सवाल पर, क्राइम क्या है, क्रिमिनल कौन है? क्या क्रिमिनल वो है जिसको एक इम्पार्शियल जुडिशियल सिस्टम गिल्टी करार देती है, या क्रिमिनल वो है जिसको उस समय की सरकार सिर्फ एक्यूज करती है? अगर सेकंड ऑप्शन ही हो जाता है या सही माना जाता है तो क्या भारत में एक्यूजेशन ही गिल्ट का प्रूफ होगा? लंबा ट्रेडिशन है प्रिवेंटिव अरेस्ट का हमारे देश में। कोई भी एक सरकार को हम लोग इस सिस्टम को परपेचुएट करने के लिए दोषी नहीं कह सकते, हर कोई इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन शायद एक्सपेक्टेशंस हमारे बढ़ जाते हैं उस सरकार से जिसके शीर्ष के नेता हर साल इमरजेंसी को कंडेम करते हैं। अगर उन्होंने सत्ता में आने के बाद वही कानूनों को बरकरार रखा है तो क्यों हर साल 25 जून को ये कहते हैं कि वो डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी कभी लौट के नहीं आने चाहिए? क्यों हर साल कहते हैं कि भारत के इतिहास में वैसे दिन फिर कभी लौट के नहीं आने चाहिए? सवाल फिर यही उठता है, क्या भारत के इतिहास में वैसे दिन कभी अतीत में गए ही नहीं? नमस्कार। Thank you.